हाँ अब भाई आप भागोगे तो पेमेंट भागेगी ना, है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, राधे राधे। काटू भाई क्या बात है, पेट्रोल पी लिया क्या सुबह सुबह, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? टोक दिया ना आपने हमें सुबह सुबह। खैर अब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई से फिल्म बनाने के लिए लोग यहाँ आए मथुरा में, और टाइटल रोल के लिए हम ऑडिशन देने जा रहे हैं। जमाई बाबू, जमाई बाबू, ये शंकरलाल स्वीट से नानी जी के लिए गिफ्ट आया है, पर नानी जी तो अभी है नहीं, तो क्या क्या तो हैं भाई, मैं एमडी हूँ कंपनी का, हैं नानी जी नहीं है, कौन देखेगा ये सब? नानी जी के पीछे से मुझे ही संभालना है ये सब काम वाम। देख रहा हूँ हैं, भगवान ने हाथ दिए दो। माननीय जगदम्बे जी, आपके जगदम्बे मिष्ठान भंडार की बेहतरीन और स्वादिष्ट मिठाइयों की वजह से मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। मैं एक तोहफा आपको भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार करें शंकरलाल मिष्ठान भंडार वाले। क्या कुछ नहीं होगा, क्या भेजेगा ये? इसमें निकलेगा तवा, परात, हद मार लो तो दो चार प्लेट का सेट बस। सारू भाई देखिए, ये जो तोहफा है ना, ये नानी जी का है और नानी जी को ही इस तोहफे को खोलना चाहिए। साडू भाई, बोला तो मैंने नानी जी है नहीं, ये बिजनेस के लिहाज से तोहफा है तो मैं ही खोलूंगा और मेरा ही होगा ना ये। आप बिना बेकार की बातों में लगे रहते हो। बेटी की जान, साडू भाई, भगवान ऐसा कस्टमर सबको दे, सिर्फ यही है जिसको पता है कि किस आदमी को क्या तोहफा देना चाहिए। देखो कितनी काम की चीज भेजी है। बिल्कुल सही कह रहे हो साडू भाई, बिल्कुल सही। आज अगर मैं भगवान से कुछ और भी मांगता ना तो वो भी मुझे मिल जाता। अब ये नानी जी के तो काम का है नहीं, वो तो मुझे ही दे देंगी ना। मेरा है। अरे साडू भाई, ये हमारा है। अरे एमडी मैं हूँ, मेरा हक है। अरे साडू भाई, बड़े जमाई हम है। हाँ तो हो तो हो, तो फिर हो तो। अरे आप तो मैं ही हूँ। शांति शांति, बड़े जमाई जी, छोटे जमाई जी, आप इसका फैसला नाना जी से क्यों नहीं करवा लेते? ब्लैक कमांडो, अभी अभी नाना जी बाहर गए हैं। हाँ, नाना जी तो नहीं है, मगर उनकी गैर हाजिरी में इस घर में सबसे बड़ा कौन? ससुर जी। हाँ ससुर जी। तो क्या, चलते हैं ससुर जी के पास, वो फैसला करेंगे आपका, हमारा और इस आईपैड का। आ जाओ। आइए चलिए। हड्डा, मैं लाली दीदी और डाली दीदी को बताता हूँ। अजब गजब घर जमाई। हाँ बताओ, आप लोग क्या वार्तालाप करने आए थे मुझसे? ससुर जी, मैं ये कह रहा था कि हमारा जो बिजनेस है, नानी जी का जो बिजनेस है, उसका एमडी कौन है? मैं। तो इस आईपैड पे सबसे पहला किसका होगा? मेरा ही होगा ना, एमडी हूँ ना मैं बिजनेस का। तो फिर देखो, ये आईपैड मेरे पास आएगा ना, तो इससे घर का, हमारे बिजनेस का, सबका भला होगा। बिल्कुल ठीक चिंटू जी, बिल्कुल ठीक। क्या ठीक है डॉली, मेरे महान जी को आईपैड की थोड़ा सा ज्यादा जरूरत है और बाकी सबको थोड़ा सा कम। मेरे महान जी इतने बड़े कलाकार हैं, ऑडिशन दे देकर, रिकॉर्ड कर करके आईपैड से ही तो भेजेंगे, इसलिए आईपैड मेरे महान जी को मिलना चाहिए। नाना जी, आईपैड चिंटू जी को मिलना चाहिए। नहीं नहीं डॉली, तुम समझ नहीं रही हो, आईपैड तो महान जी के लिए ही सही है। अरे दी, चिंटू जी के लिए ज्यादा सही है आईपैड। अरे नहीं डॉली, महान जी के लिए ज्यादा सही है आईपैड। शान शान। ससुर जी, आदरणीय ससुर जी, भारतीय संस्कृति के अनुसार ससुराल में हर चीज पर सबसे पहला हक बड़े जमाई का होता है, तो उस हिसाब से इस आईपैड पर जो हक है वो इस घर के सबसे बड़े दामाद का होना चाहिए कि नहीं? सही, बिल्कुल सही। सुनो, बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू ससुर जी। ये आईपैड कहाँ ले जा रहे हो? आप प्रस्थान कीजिए। आपने कहा कि घर के बड़े दामाद का सबसे पहला अधिकार होता है, है ना? जहां तक बड़े दामाद का सवाल है, तो इस घर का बड़ा दामाद यानी कि मैं तुम लोग का ससुर। पापा, पापा,
तो ये आईपैड मेरा होगा। ओ खूब कही ससुर जी आपने, हैं? हम आपसे यहाँ इंसाफ मांगने आए थे, आपने आईपैड ही साफ कर दिया। वाह 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 वाह। एक मिनट एक मिनट, वैसे नाना जी आ गए हैं और ये फैसला उनसे कराया जा सकता है। चलो फिर चलो 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 चलो, ये लेके चलो बड़े लाल जी। हाँ चलो। तो ये है वो आईपैड जो सारे लड़ाई की जड़ है। नाना जी क्या घूर रहे हो आप इसको, आप फैसला करो ना सीधा सीधा। हाँ भाई, पहली बार इस घर में मैं पीके जमाई की बात से सहमत हूँ, पहली बार, क्योंकि बड़ा बड़ा होता है। ठीक है चिंटू बेटा, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। ये और महान, तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी कि बड़ा बड़ा होता है, समझ रहे हो पीके जी। तुम तीनों तो जानते हो कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो सही है वो सही है, जो कायदा है वो कायदा है। अब कायदा ये है कि ये आईपैड जो घर में सबसे बड़ा दामाद है उसके पास रहेगा। तो भाई ये है, तुम कालर क्यों कर रहे हो, बड़े दामाद नहीं हो तुम, ठीक है जी, बड़े दामाद के पास है। तो उसी बड़े दामाद के पास ये है। अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आपने कहा था ना कि आईपैड घर के बड़े जमाई को मिलना चाहिए। हाँ तो फिर बड़े जमाई को मिल तो गया। अरे इस घर का सबसे बड़ा जमाई कौन है, मैं हूँ ना। देखो जगदम्बे मुझे ब्याह के लाई थी सबसे पहले बंदूक की नोक पर इस घर में, तो कौन हुआ बड़ा जमाई, मैं हुआ ना। तो मिल गया, मेरे पास है ना। क्या खिचड़ी पका रहे हो नाना जी, पहले इस आईपैड की लाइन में तीन लोग थे, चौथे आप कूद पड़े। नाना जी आप भी ना, क्या करेंगे आप आईपैड का इस उम्र में। अरे क्या करेंगे, ओ धार्मिक फिल्में देखेंगे ना, भजन सुनेंगे। मैं बताता हूँ ये क्या करेंगे, ये करेंगे फ्रेंड बुक पे बात। नानी जी को बता दिया ना, ऐसे ऐसे मंजीरे बजाएंगी ना नानी जी आपके कि याद करोगे आप। ये उम्र है आपकी ये सब देखने की है। इस आईपैड पे भाई यकीन मान लो मेरा हक है, मैं काम धंधा करूंगा इस पे। बिल्कुल सही, नाना जी दे दीजिए, आप चिंटू जी को दे दीजिए आईपैड। बस करिए, आप लोग मुझे फरहान अख्तर बनने पे मजबूर मत करिए। कौन वाला? नहीं लॉली जी, भाग मिल्खा भाग वाला। एक बार मैं ये आईपैड लेकर अगर भाग गया ना तो फिर कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। हाँ अरे भाई देखो, ये आईपैड मेरे पास रहेगा और मेरे पास ही रहेगा और मेरे पास है ना? मेरा हक है इस पे। मेरा अब मेरी बात सुनो। देखो एक दिन की बात है, ये डिसाइड करेगी अब जगदम्बे। जगदम्बे जिसको चाहेगी उसको देगी। अरे भाई एक एक ही रात की तो बात है, कल जगदम्बे आ जाएगी, जिसको देगी वो ले लेगा। ठीक सही बात करी आपने। जाओ जाओ, अब खड़े क्या मुंह देख रहे हो, जाओ चलो चलो चलो, ऐसे जाओ, निगाहें निगाहें हटाओ, निगाहें हटाओ इस पे से। एक भी भजन किया ना आपने इस पे, नानी जी को बता दूंगा, फिर बजेंगे मजीरे तबले ढोल ताशे सब बजेंगे आपके। चिंटू डॉली डॉली महान, अरे पीके सुंदरी कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ। अरे गजब हो गया, अरे नाना जी क्या हुआ, क्या हुआ नाना जी, अरे बेटा गजब हो गया, क्या बात होगी, वो नुकसान हो गया सब। अरे क्या बात होगी वो तो बताओ नाना जी। अरे वो रात को अलमारी में पैड रखा था ना आईपैड, वो चोरी हो गया। क्या कह रहे हो नाना जी, आपने ठीक से देखा अलमारी में? अरे ठीक से देखा है तभी तो बोल रहा हूँ, वहां पर नहीं है। चिंटू बेटा ये तुमने तो नहीं लिया? क्या बात कर रहे हो आप नाना जी, है यहाँ पर इतने आदमी मौजूद है, उनमें से आपने सीधा बंदूक मेरे ऊपर तान दी, मेरे चेहरे पे लिखा है मैं चोर हूँ। नहीं नहीं चोर नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने नहीं लिया तो फिर किसने लिया, तुम बताओ फिर। मुझे क्या पता किसका है,
ये खड़े इन्हीं का काम होगा साडू भाई का। जानी हम ऐसे जलील काम नहीं करते। ए बेटा पीके तुमने आईपैड तो नहीं लिया, तुम लेके भूल गए होगे हैं? आईपैड पर उनके कमरे में तो वॉशिंग मशीन रखवाई थी ना। हे कुंज बिहारी फिर गई मती मारी। पापा वॉशिंग मशीन अलमारी में कैसे आ सकती है ना? ये तुम दोनों बहनों में से किसी एक का काम तो नहीं है? पापा नहीं नहीं पापा, डॉली के तो बस की भी बात नहीं है चोरी वोरी। हाँ मेरे बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा तो आप अपने बारे में सोच के बताइए ना। चोरी नहीं नहीं डॉली, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? चुप रहो बड़े लाल। बड़े लाल नानी जी को स्टेशन लेने गया है। चिंटू बेटे की जान, कहीं काम बड़े लाल का तो नहीं है? नहीं 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 बड़े लाल को क्या पता आईपैड क्या होता है, हैं? अरे इस आईपैड के लड़ाई के चक्कर में इस घर में चोरी जैसी घटिया हरकत हुई है, वो आके कोहराम मचा देगी। बस उसके आने से पहले बस आईपैड मिल जाए बस। हाँ गटर वाले बाबा आएंगे ना, वो दो मिनट में बता देंगे कि चोरी किसने की है। गटर वाले बाबा? तो फिर वो गुफा वाले बाबा का क्या हुआ? अरे वो तो गुफा में ही है। गटर वाले बाबा अरे ऐसी झाड़फूंक करेंगे कि ऐसे चोर सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा चोरी मैंने की है। हाँ। अरे वाह, तो मम्मी बुला लीजिए ना उनको, पता तो चल जाएगा कि चोर कौन है। हाँ यही सही है, और कोई तरीका भी नहीं है चोर को पकड़ने का। बुला लो मम्मी। कुछ कितना हो रही है? बुला लो सास माँ, बुला लो। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, किन चक्रों में पड़ रहे हो हैं? ये बाबा ना सब ढोंगे होते हैं, इनके बेकार के चक्कर होते हैं। देखा आप सब लोगों ने, देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। साड़ू भाई डर रहे हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाए। सासू माँ आप तो बुलाई लो, अब वो कौन है गुफा वाला? नहीं नहीं वो गटर वाले बाबा ना, बुला लो आप, बुला लो। सुंदरी तुम एक काम करो, गटर वाले बाबा को ही बुला लो। हम अभी बुलाते हैं। अजब गजब घर जमाई। ओ विंग क्रिंग चौंडाई विच्चे नमा, देख काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, देख काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली। ओ विंग क्रिंग चौंडाई विच्चे नमा, भगवती भक्ति करो प्रधान तुम भगवान की तुम ही या अंतर काल का एक काल से गोद में गौरी उठाकर करो चिंता बड़ी। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाएगा, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए। ओम क्रीम चमंडाई विच्छे नमः, ओम क्रीम चमंडाई विच्छे नमः, ओम क्रीम चमंडाई विच्छे नमः। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए। जय इन्होंने तो बुलाया नहीं तो छोड़ दे भाई, ओ फर्जी आदमी आजा। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वजन न जाए। ओ विंक रिंग चौंडाई विच्चे नवा, ओ विंक रिंग चौंडाई विच्चे नवा, ओ विंक रिंग चौंडाई विच्चे नवा। ये देखो मैं क्या कह रहा था, साडू भाई के काम होंगे, देख देख लो डॉली। तू ही है चोर, इसकी शक्ल पे लिखा है इसे ही ने चुराए आईपैड। बोल बोल खोपड़ी में उबाल के खा जाऊंगा चावल के साथ। बोल क्या कह रहे हैं बाबा जी, आपको यहाँ बुलाने में मेरा भी एक वोट था, कुछ तो ख्याल रखिए। हाँ। ओम क्रीम
चमुंडाई विच्छे ओम क्रीम चमुंडाई विच्छे ओम तू बताएगा आईपैड कहाँ है? आईपैड तुम्हें तो कच्चा ढूंढने के लिए बुलाया ना, जो बाहर सूख रहे थे, नहीं मिला ना, इतना सब करके भी नहीं मिला। ये क्या है? तुमने तो मुझे आईपैड ढूंढने के लिए बुलाया था, कच्चा कहाँ से आ गया बीच में बच्चा? गटर वाले बाबा, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो एक नंबर के भुलक्कड़ है, आईपैड ही ढूंढना है, कच्चे नहीं। तो संभाल के रखा करो। किसे? कच्चों को? इनको। तुम दोनों खुद बताओगी या मैं उगलवाऊं? कहाँ है आईपैड? अरे सुंदरी, तुम कह रही थी ये आएगा, चुटकी बजाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, ये जब से आया हम सबको ही बजा रहा है, चुटकी कब बजाएगा ये? बज गई चुटकी। हाँ, जो मेरे हाथों में चावल के दाने हैं, तुम सबको खा ले, इसे खाते ही जिसने आई पैट चुराया है खून के उल्टी करेगा, फेफड़ा फट जाएगा, आग निकल कर बाहर आ जाएगी। अभी बता दो किसने लिया है आई पैट? क्या चल रहा है ये सब? बेटे की जान, नानी जी आ गई, अब मिलेगा इसे प्रसाद। लो प्रसाद, अब सारे प्रसाद लो। बड़े लाल, समझ गया मानती। अजब गजब घर जमाई। अन्ना जी, आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन गए। अरे ये तो खैर बच्चे हैं, दिखते नहीं है पर हैं तो बच्चे, इस उम्र में ये बेवकूफियां कर सकते हैं, लेकिन आपकी जगदम्बे, वो क्या है कि मैं थोड़ा घबरा गया था, आईपैड खो गया था ना, तो मैंने सोचा आपको पता चलेगा तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए। अच्छा, इसीलिए आपने इस तांत्रिक को बुला लिया और घर में एक सर्कस लगा लिया। और आप सबको क्या लगता है कि हम घर में नहीं होते तो हमको पता नहीं चलता कि हमारे घर में क्या चल रहा है? हमें सब खबर रहती है और हमको ये भी पता है कि वो आईपैड कहाँ है। बेटी की जान, बड़े लाल, बेटी की जान, ये मैंने कहा था ना, मेरा शक गया था ना बड़े लाल पे, देख लो। बड़े लाल, अरे भाई, इतनी मेहनत से गिफ्ट रैप किया है, समझ जाएंगे आईपैड 2। जुड़वा, बड़े लाल, ये पेठे होंगे आगरा वाले, नहीं आईपैड 3। जुड़वा आईपैड, ये क्या चक्कर है नानी जी, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रकाश डालो, क्या क्या है, क्या ये क्या? बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू जी, वही समझाने तो बैठे हैं हम। वो क्या है कि शंकर लाल जी ने हमें फोन किया कि जो उन्होंने तोहफे में जो आईपैड दिया था वो डिफेक्टिव पीस था, तो उन्होंने कहा कि उसे वापस कर दीजिए जगदम्बा, हम आपको नया आईपैड दे देंगे। बड़े लाल को फोन किया, तब हमें पता चला कि घर में घमासान मचा हुआ है। खैर, हमने आईपैड को मंगवा के उसको वापस कर दिया, लेकिन एक बात तो हमारी समझ में आ गई थी कि हमारे घर में समस्या है एक अनार और 100 बीमार, इसलिए हमने एक के बदले 2 नए आईपैड और खरीद लिए, ताकि हमारे तीनों जवाइयों को ये ना लगे कि हम किसी को भी कम प्यार करते हैं।
अब सिर्फ दांत मत दिखाओ, उठाओ अपने आईपैड। साड़ू भाई ये लो आप, क्या याद करोगे? ये मेरा। देखो वैसे अंत में आया मेरे पास वही नानी जी, अब मैं धन्यवाद करके आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन एक बात है, जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में आईपैड का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ठीक वैसे ही मेरी प्यारी नानी जी का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है। नानी जी की जय हो। ए जी, ओ जी, मुंह फुला के क्या बैठे हो? अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस घर के सबसे पहले दामाद हैं, तो आपके लिए तो सबसे अच्छा और सबसे महंगा आईपैड लिया है हमने। बड़े लाल ये लीजिए हमारी तरफ से आपको। अरे जगदम्बे तुम्हारा जवाब नहीं है, घर को कैसे संभाल के रखना है, संभाल के चलाना है, ये तो कोई तुमसे सीखे है। I am proud of you। आईपैड हाथ में आते ही अंग्रेजी शुरू। अब अंग्रेजन दोस्तों को मत याद रखना। नहीं नहीं वो कौन है? देख लो देख। अरे इसमें क्या है बड़े लाल? मालकिन आपके मिष्ठान भंडार के नए कस्टमर जगन भाई ने ये चिट्ठी और ये गिफ्ट भेजा है। अरे अरे देखो इन्हें, देखो नानी जी हैं,